हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़हीर खान और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल ब्रेन गुरु में। आज का हमारा टॉपिक है एरोपीक। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सा टॉपिक है और तकरीबन तमाम फ्रेंड्स को पहले से ही इसके बारे में मालूमात होंगी, पहले से ही वो जानते होंगे, उन्होंने ये सब चीज़ें देखी होंगी। लेकिन अपने टॉपिक को, अपने ट्यूटोरियल को कंप्लीट करने के लिए मैंने इसे शामिल कर लिया है और इस पर वीडियो बना ली है। तो फिर भी बहुत सारे दोस्तों को शायद इसके बारे में नहीं पता हो, तो उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। जी फ्रेंड्स, आज हम सीख रहे हैं विंडोज 7 पार्ट 5। तो इसमें आज हमारा टॉपिक क्या है? एरोपीक। एरोपीक को समझने के लिए हमें हम देखते हैं 3 पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट्स क्या हैं? इसमें हम पढ़ते हैं टेम्परेरीली पीक और हाइड आल ओपन विंडोज़ और अनहाइड आल ओपन विंडोज़। टेम्परेरीली पीक जो है, इसका मतलब ये है कि आप अपना पॉइंटर ले जाते हैं शो डेस्कटॉप बटन पर। ये शो डेस्कटॉप है और शो डेस्कटॉप पर आप जब अपना बटन ले जाते हैं, अपना पॉइंटर ले जाते हैं, यहाँ क्लिक नहीं करना, सिर्फ अपने पॉइंटर को इसके ऊपर ले जाना है। तो तमाम विंडोज़ जो हैं वो गिलास की तरह ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं और आप डेस्कटॉप को देख सकते हैं। और जैसे ही अपने पॉइंटर को शो डेस्कटॉप से हटाते हैं तो उन तमाम विंडोज़ को आप दोबारा से देख सकते हैं। तो आपने क्या किया? एक्चुअली आपने टेम्परेरीली पीक किया। और अगर आप चाहते हैं कि हाइड करें ऑल ओपन विंडोज़ को, तो आप उसी तरीके से शो डेस्कटॉप पे चले जाएं और एक क्लिक कर दें। उससे क्या होगा कि तमाम विंडोज़ मिनिमाइज हो जाएंगी और वो परमानेंट मिनिमाइज़ हो जाएंगी, टेम्परेरीली मिनिमाइज़ नहीं होंगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि वो तमाम विंडोज़ वापस खुल जाएं और अपनी पोजीशन पे आ जाएं, तो आप अनहाइड उनको करेंगे और वो भी उसी तरीके से करेंगे। आप शो डेस्कटॉप के ऊपर जाएंगे और एक बार फिर से क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आप ये तीनों पॉइंट को समझ जाएंगे। तो इस तरीके से आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू।